So the next topic in our C language is loop control. जैसा कि हमने normally if statement से पढ़ा है, if statement में ये define होता है कि अगर condition satisfied होगी तो आपकी जितनी भी statements हैं, चाहे वो एक है चाहे multiple है, एक बारी क्या होंगी, execute होगी। बट बहुत जगह पर ऐसा लॉजिक हमें लगाना पड़ता है या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां हम ये मानते हैं कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स अपने लॉजिक को रिपीट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे एक से लेके दस तक नंबर को प्रिंट करना है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक से लेके दस तक नंबर को एक एक करके क्या करूँ, प्रिंट करूँ। और एल्स दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल को हम नॉर्मली इटरेशन लॉजिक भी कहते हैं। जैसे एक से दस तक के नंबर में हम क्या कह रहे हैं कि भी नया नंबर क्या प्रोड्यूस होगा, नया नंबर कैसे बनेगा, कि पहला नंबर अगर एक है तो दूसरा नंबर किस तरह से डिफाइन होगा, दूसरा नंबर पिछले का इंक्रीमेंट है। मतलब नया नंबर जो प्रोड्यूस होगा वो पिछली जो प्रोड्यूस हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द न्यू नंबर। सो जहां हमें लगता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है और उन स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमन लॉजिक है, हम उसे कहाँ डालते हैं, लूप कंट्रोल में डाल सकते हैं। सो लूप कंट्रोल में हम डिफाइन करते हैं कि हमें अपनी स्टेटमेंट्स को जो हम लिख रहे हैं, चाहे वो एक है या मल्टीपल है, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और ये पूरी कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हम एक कंडीशन डिफाइन करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। नाउ लूप कंट्रोल की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास तीन नॉर्मली लूप कंस्ट्रक्ट डिफाइन है, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। अगर आपके पास एक लूपिंग का प्रोग्राम आता है तो आप उसे तीनों में से किसी एक में भी बना सकते हैं, मतलब किसी में भी बना सकते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई प्रोग्राम मेरे पास आया है तो वो सिर्फ डू व्हाइल में ही बन सकता है, फॉर में बन नहीं सकता। लूपिंग है, काम तीनों का कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। तो अगर आपके पास कोई लूपिंग का प्रोग्राम आता है तो आप उसे किसी में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now, किसी भी लूप कंस्ट्रक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तीन स्टेटमेंट्स की हमें बहुत जरूरी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे एक से लेके दस तक काउंटिंग करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, एक से करना है, खत्म कहाँ पर करना है, दस पे करना है। और करना कैसे है, करना मतलब अगर मैं कह रहा हूँ एक से लेके दस तक के सभी नंबर्स को प्रिंट करो, तो आप क्या कहोगे, एक एक इंक्रीमेंट करके प्रिंट करूँ, या हो सकता है मैं को आप सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करो, उस समय आप इंक्रीमेंट कितना करोगे, दो दो का करोगे। हो सकता है मैं आपको कहूँ कि 0.55 के पार्ट्स में डिस्प्ले करो। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं कि करना कैसे। तो मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ गए, सबसे पहले शुरू कहाँ से करना, दूसरा कहाँ तक जाना है, और तीसरा वहाँ तक पहुँचना कैसे। मतलब हम एक से शुरू करेंगे, दस तक जाएंगे, बट दस तक पहुँचना कैसे है, एक एक इंक्रीमेंट करना है, 0.5 करना है या दो दो करना है। तभी हमने कहा लूप के ऊपर नॉर्मली हमारे पास तीन स्टेटमेंट आती है, इनिशियलाइजेशन जिसे हम स्टार्टिंग ऑफ द लूप कह रहे हैं, कंडीशन लिमिट, और हम टाइम कह रहे हैं कि जब तक लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, और एक स्पेशल स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम अपनी कंडीशन को मतलब अपने लूप को टर्मिनेट करेंगे। मतलब हम ऐसी कंडीशन की वैल्यू को चेंज करेंगे ताकि लूप कहीं ना कहीं क्या हो, टर्मिनेट होता हो, वो चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो या कोई भी और स्टेटमेंट हो, बेसिकली स्टेटमेंट जिसके थ्रू कंडीशन कभी ना कभी क्या हो, फॉल्स हो। सबसे पहले हम बात करते हैं लूप कंट्रोल व्हाइल की। हर लूप कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए तीन स्टेटमेंट की जरूरत है, व्हाइल लूप को भी एग्जीक्यूट करने के लिए तीन स्टेटमेंट्स चाहिए, जैसा कि हमने पिछले लास्ट पार्ट में डिस्कस किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड व्हाट स्पेशल स्टेटमेंट। सिर्फ तीनों लूप में जो फर्क है वो क्या है, लिखने का तरीका, और एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे व्हाइल लूप क्या कहता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, देन वी राइट व्हाइल, ब्रैकेट में हम क्या डिफाइन करेंगे, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी जो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और फिर इन्हीं ब्लॉक के बीच में एक स्पेशल स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम अपनी कंडीशन को कभी ना कभी क्या करें, अपडेट करें। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि मैं एक से लेके दस तक प्रिंट करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एक से लेके दस तक प्रिंट करना है, तो मुझे पता है मुझे शुरू कहाँ से करना है, एक से, क्योंकि अगर कोई मुझे ये कहेगा कि 10 to 20 प्रिंट करो तो मैं 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है शुरू कहाँ से करना है, फिर 10 से स्टार्ट करें। इस केस में शुरू कहाँ से करना है, 1 से करना है, तो i=1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। देन हमारे पास क्या है, व्हाइल, व्हाइल के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन। अब एक से लेकर हमें कब तक जाना है, 10 तक जाना है, तो एक
आई लेस देन इक्वल्स टू व्हाट टेन, तो हम कह रहे हैं आई एक से शुरू करो, जब तक 10 से छोटा है एग्जीक्यूट करो उस लूप को। इस लूप में हमने क्या प्रिंट करा है, आई को प्रिंट करवा लिया और साथ साथ आई को इंक्रीमेंट कर दिया। आई इंक्रीमेंट की हमारी वो स्पेशल स्टेटमेंट हो गई जिसके थ्रू आई इंक्रीमेंट होके कभी ना कभी हमारी कंडीशन को फॉल्स करेगा, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब कभी ना कभी वो 11 पर आएगा और कभी ना कभी हमारी कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ताकि प्रोग्राम हमारा क्या टर्मिनेट हो जाए। सो एग्जैक्टली क्या हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1 में हमने अपने आप को इनिशियलाइज किया कि लूप कहाँ से शुरू करना है, स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने कंडीशन डिफाइन की एग्जैक्टली हमें लूप कहाँ तक लेकर जाना है, जो कि इस केस में हमारे पास क्या थी, आई लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 10, लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कब होगा वो आपने अंदर डिफाइन किया। थर्ड में हमने डिफाइन की वो स्टेटमेंट जिससे हम एग्जैक्टली बार बार रिपीट करना चाह रहे थे, हम चाहते थे जब तक हमारी कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तब तक ये स्टेटमेंट क्या हो, रिपीट हो। और फोर्थ में हमने क्या ली, वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 by 1, सो दैट कभी ना कभी आई 10 से बड़ा हो तो कंडीशन हमारी क्या हो, फॉल्स हो और लूप क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट वो देनी है जिससे कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो, अगर कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुई तो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप के अंदर यहीं पर फंस जाएगा। हम व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन पाथ कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, कि जैसे पहले वो इनिशियलाइजेशन करता है, फिर कंडीशन है, उसके बाद वो स्टेटमेंट्स को चलाता है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी आपने स्पेशल स्टेटमेंट डिफाइन किया वो चलाता है। व्हाइल लूप को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बाद में क्या लिख दी, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कंडीशन रहेगी पहले। इसका मतलब है दोनों केसेस में स्टेटमेंट से पहले क्या होगा, कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन पहली बारी फॉल्स हुई तो नहीं चलेगा प्रोग्राम। जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में अगर मैं इंक्रीमेंट को पहले कर दूं और प्रिंट को बाद में कर दूं तो लूप तो ये 10 बारी चलेगा, फर्क सिर्फ इतना हो गया कि जो प्रिंट की स्टेटमेंट हमने आई के ऊपर बेस कर रखी थी अब वो 2 क्या जाएगी, 11 तक जाएगी, बिकॉज आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज हो गया, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा ही है, बट पहले क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, यानी आई क्या हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद प्रिंट क्या हुआ, 2। ऐसी 10 के केस में भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, बट इंक्रीमेंट होगा 11, तो प्रिंट में क्या आएगा, आपके पास 11 आएगा। तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम कितनी बारी हुआ, 10 टाइम्स ही हुआ, फर्क सिर्फ कितना आ गया, इस समय क्योंकि हम आई का यूज कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, 2 कहां तक चला, 11 तक चला। दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट, दोनों जो हमने एग्जीक्यूशन पाथ बताया इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट से पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। सो अगर आपकी कंडीशन पहली बारी फॉल्स होगी तो ब्लॉक पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। छोटा एक एग्जांपल है, व्हाइल 4 less than 1 प्रिंट हेलो, अब 4 less than 1 नहीं होता मतलब लूप कंडीशन पहली बारी क्या है, फॉल्स है, इसलिए लूप एक बारी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और वहीं से क्या है, बाहर आ। कुछ छोटे एग्जांपल और दिए मैंने यहाँ पर, जहां पर हम 10 टाइम्स हेलो प्रिंट कर रहे हैं, अब इस केस में हम आई को प्रिंट करने के लिए यूज नहीं कर रहे, तो आई का काम होगा 1 to 10 तक मूव करना, लूप को 10 बारी चलाना। तो इस केस में मैं इंक्रीमेंट बाद में करूं पहले करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों केसेस में लूप 10 बारी चल रहा है। इस एग्जांपल में मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ले लिया, भाई मुझे 10 बारी काउंटिंग करनी है, प्रिंट क्या करना है, हेलो करना है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, तो 10 बारी काउंटिंग करनी है, चाहे मैं 1 से लेकर 10 तक करूं या 10 से लेकर 1 तक करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क हमारे लिए क्या पड़ेगा, कंडीशन का, आई इक्वल्स टू 1। तो इंक्रीमेंट के केस में हमने लूप 1 से i < 10 तक चलाया और आई इंक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट के केस में बट ऑब्वियसली हम 10 से 1 तक जब काउंटिंग करते हैं तो डिक्रीमेंट करते हैं, तो 10 से स्टार्ट किया जब तक 1 से बढ़ाया और आई को क्या किया हमने, डिक्रीमेंट किया, दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। नेक्स्ट लूप कंट्रोल के अंदर हमारे पास आता है डू व्हाइल। व्हाइल लूप के अंदर हमारे डू व्हाइल और व्हाइल में जो एक इंपॉर्टेंट फर्क है वो जो हमें देखने जा रहे हैं, जो एक डिफरेंस है सिर्फ, डिफरेंस में मैं ये नहीं कहूंगा कि इस जगह पर डू व्हाइल ही चलेगा, व्हाइल लग ही नहीं सकता, या इस जगह पर व्हाइल ही लगेगा, डू व्हाइल लग ही नहीं सकता, चलेगा दोनों जगह पर। एक छोटा सा डिफरेंस ये पर है कि व्हाइल में सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, तो लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या चेक होगी, कंडीशन। अगर कंडीशन मेरी पहली बारी फॉल्स है तो लूप एक बारी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल का अगर एग्जीक्यूशन पाथ अगर आप चेक करो तो हमारे पास डिफाइन है, देखो नीचे इनिशियलाइजेशन है, फिर स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट से पहले कंडीशन नहीं है,
उसके बाद आपकी स्पेशल स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, और बाद में क्या है कंडीशन। तो डू वाइल में कंडीशन बाद में, तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस क्या होगी एग्जीक्यूट होंगी। तो पहली बारी आपकी स्टेटमेंट्स बिना किसी कंडीशन के इवैल्यूएट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को दोबारा चलना या नहीं चलना उसके लिए हमारे पास क्या डिफाइन है कंडीशन। इसीलिए हम इसके सिंटेक्स में फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले इनिशियल आदेशन डू ब्लॉक स्टार्ट हो गया, स्टेटमेंट्स स्पेशल कंडीशन, और वाइल के बाद बाद में लास्ट में क्या लगाई हमने वाइल में कंडीशन लगाई है। तो इस केस में क्या हो गया एग्जैक्टली हम ये कहेंगे डू वाइल और वाइल में जो फर्क आया कि एटलीस्ट वंस योर स्टेटमेंट विल बी व्हाट एग्जीक्यूटेड। पिछले वाले प्रोग्राम की अगर हम बात करें जहां हमने लिखा था वाइल फोर लेस देन वन, तो उस केस में पता है फोर लेस देन वन नहीं होता, स्टेटमेंट्स एक बारी भी नहीं चलेंगे, लूप आपका एक बारी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी प्रोग्राम को डू वाइल में राइट कर रहा हूं तो यहां पर क्या है डू दी स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद आपकी कंडीशन क्या है फॉल्स है, आपका लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, कि वाइल डू वाइल एटलीस्ट वंस आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा करेगा। और थर्ड हमारा लूप अब आता है फॉर लूप। लूप में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, वो लूप की तीन स्टेटमेंट्स जो लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, वाइल में भी चाहिए, डू वाइल में भी चाहिए और फॉर में भी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है वाइल डू वाइल ने तीनों स्टेटमेंट्स लिए अलग अलग पोजीशंस पर, अलग अलग नंबर पे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले इनिशियलाइजेशन देनी है, वाइल के ब्रैकेट में क्या देंगे आप कंडीशन देंगे, ब्लॉक के अंदर आपकी क्या होगी स्टेटमेंट होगी। फॉर लूप ने यही काम आसान कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया कि फॉर ने ब्रैकेट में तीनों स्टेटमेंट एक साथ ले ली ताकि आपका फॉर लूप लूप को चलने के लिए जो स्टेटमेंट चाहिए एक साथ आ गए। तो फॉर लूप का फॉर्मेट हो गया फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन सेमीकॉलन कंडीशन और फिर क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। एग्जीक्यूशन पाथ इसका बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही होगा जैसा वाइल लूप में था, उसमें कोई नहीं, मतलब लिखने में चाहे हमने पहले लिखा है इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट, बट एग्जीक्यूट पहले क्या होगी स्टेटमेंट होगी। सो 1 to 10 का प्रोग्राम जो हमने सिंपल वाइल लूप में लगाया था, अगर मैं उसे फॉर लूप में लिखूं तो देखो क्या आएगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 स्टार्ट सेमीकॉलन, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और प्रिंट एफ हेलो। दोनों का एग्जीक्यूशन पाथ सेम है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 होगा, फिर आई लेस देन इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, फिर प्रिंट होगा हेलो और उसके बाद क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। तो एग्जीक्यूशन वाइल लूप की तरह होगी, कंडीशन स्टेट सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देन व्हाट कंडीशन, उसके बाद क्या आपकी स्टेटमेंट, बाद में क्या होगा इंक्रीमेंट। फॉर लूप में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सामने मैंने डिफाइन किया हुआ है, जहां जैसे इस फॉर लूप में मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं दी, पहले डिफाइन कर दी या किसी अज्यूम वे में कहीं से भी आ गई, लेकिन हमें इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक एम्प्टी छोड़ना है, तो सेमीकोलन दिया कंडीशन और इंक्रीमेंट डिफाइन कर। सेकेंड पार्ट में हमने इंक्रीमेंट भी कहाँ दे दिया अपने ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया, तो फॉर लूप में सिर्फ क्या आ गया कंडीशन आ गई, बट सेमीकोलन कंपलसरी है बिकॉज सेमीकोलन इज अ डिफरेंशिएटर एक तरह से। सो पहले सेमीकोलन से पता लगता है कि इनिशियलाइजेशन है, सेकंड सेमीकोलन से कंडीशन और इंक्रीमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। लूप कंट्रोल में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, आप लूपिंग में किसी भी स्टेटमेंट के एंड में हम नॉर्मली सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। अब क्या क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं वाइल लूप के एंड में सेमीकोलन लगाता हूं, जैसे इस केस में सेम वे प्रोग्राम 1 to 10 का, बट वाइल के एंड में क्या लगा दिया सेमीकोलन लगा दिया। अब वाइल के एंड में सेमीकोलन जो मैंने लगाया था इससे अफेक्ट क्या बनेगा, तो ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम एग्जैक्टली ये बना आई इक्वल्स टू 1 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि सेमीकोलन लगाया था, मतलब ब्लॉक स्टार्ट एंड व्हाट क्लोज, एक नया ब्लॉक अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस हो गया सेमीकोलन के कारण, ये नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये इनफाइनाइट लूप होगा क्योंकि i equals to 1 while i less than 10 कंडीशन सैटिस्फाइड है, लूप के अंदर जाएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, तो i कितना रह गया 1 का 1 ही रह गया, फिर सैटिस्फाइड, फिर कुछ नहीं करना, फिर सैटिस्फाइड। तो इसी तरह से सेम लॉजिक जो था हमारा प्रोग्राम जो हमारा था कंपाइलर हमारा, वो उसी लूप में ऊपर ही फंस गया, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, दैट इज एन इनफाइनाइट लूप। और स्क्रीन पे क्या आ रहा है कुछ भी नहीं आता। देन वी हैव नेस्टेड लूप, जैसे कि नेस्टेड इफ होता है, कि एल्स होता है कि हम एक इफ के अंदर एक और इफ लगा दें, तो ऐसे नेस्टेड लूप भी होता है कि एक लूप के अंदर आप एक और लूप लगा दें। वाइल और फॉर लूप के दोनों एग्जांपल मैंने दिए कि एक वाइल के अंदर एक और वाइल लूप लगाया, हालांकि मेरे वेरिएबल्स डिफरेंट है, कि पहले वाला लूप मेरा आई के ऊपर था, अंदर जो मैंने लूप लगाया वो जे के ऊपर लगाया, तो आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10, अंदर लूप किसका लगा जे का, तो बाहर वाला लूप मेरा आउटर लूप हो गया जो आई के ऊपर है, और जे वाला लूप मेरा इनर लूप हो गया जो
जे के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर एग्जीक्यूशन को देखें तो आउट इनर लूप जे वाला 10 टाइम्स चलता है, आई इक्वल टू 1 से 10 तक का लूप है सॉन्ग सिंपली, लेकिन आउटर लूप कितनी बारी चलेगा 10 टाइम्स। आउटर एक के लिए इनर पूरा कंप्लीट होगा, मतलब आउटर एक के लिए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा, और ब्लॉक में क्या आता है ये लूप आता है, ये लूप पूरा चलेगा। इसका मतलब अगर आउटर मेरा 10 टाइम्स चल रहा है तो इनर मेरा टोटल 100 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स ईच फॉर ईच वैल्यू ऑफ व्हाट आई। लिखने का तरीका आई व्हाइल और फॉर लूप का देखो कितना आसान है, फॉर लूप में बहुत क्लैरिटी है, हालांकि ध्यान रखना है दोनों का आउटपुट सेम है, दोनों के प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स की वजह से वो फॉर्मेट क्या बन रहा है छोटा बन। लूप में हमारे पास और स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ब्रेक एंड व्हाट कंटिन्यू, जैसे आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज एग्जैक्टली हमने एक स्विच में भी किया था, दैट इज टू एग्जिट आउट ऑफ व्हाट स्विच, हम ब्रेक स्टेटमेंट का व्हाइल लूप में भी यूज करेंगे, दैट इज टू एग्जिट आउट ऑफ व्हाट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ लूप, मतलब हम लूप पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बाहर निकलना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक या कंटिन्यू का यूज करेंगे, दोनों है, ब्रेक का काम है बाहर निकलना, कंटिन्यू का काम है आगे कंटिन्यू करना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम जो हमने फॉर लूप का लिखा है, नॉर्मली प्रोग्राम 1 टू 10 तक चलेगा, 1 टू 10 में ये 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट कर रहा है, मतलब सॉरी इस प्रोग्राम में हमने डिविजन परफॉर्म किया, तो लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा, दो नंबर इनपुट करेगा और उनका डिविजन परफॉर्म करेगा। अब डिविजन में हमें पता है अभी तक तो कि अगर 0 आएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो ही जाएगा, अपने आप एब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, एब्रप्ट। लेकिन यहां मैंने क्या लॉजिक रखा, सपोज मैंने आपको कह दिया कि 10 नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करना है, 10 बारी डिवीजन परफॉर्म करना है दो नंबर का, ये लूप 10 बारी चलेगा, दो नंबर आपसे इनपुट करेगा और उसका डिवीजन करेगा। सपोज आप कहते हो कि मुझे तो 3 नंबर्स का ही करना है, बट ये लूप तो कितनी बारी चलेगा 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन अब मैंने यहां कंडीशन देखी कि इन एनी केस अगर आपको लगता है बस दो ही बारी चलाना था, तीसरी बारी मुझे डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, बट प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट भी ना हो, तो मैंने वैसे ही एग्जांपल ले लिया कि मैं बी में क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा, यानी मैंने कह दिया कि जब मुझे डिवीजन नहीं करनी होगी तो मैं सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 0, आप टर्मिनेट कर दूंगा। सो लूप हमारा 1 से लेकर 10 तक चला, दो नंबर इनपुट करा रहा है, बट मैंने कंडीशन लगा दी अगर बी की वैल्यू कभी भी 0 आई ब्रेक करे, ब्रेक का काम एग्जिट आउट ऑफ लूप एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, कंडीशन हमारी क्या होगी, b equals to what 0, अगर b की वैल्यू 0 आई तो प्रोग्राम वहीं से ब्रेक करके टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज डिवीजन परफॉर्म होगी और डिवीजन का रिजल्ट क्या है, प्रिंट होगा। सो लूप तो ये कहता है कि मैं एग्जैक्टली 10 बारी चलूंगा, बट लूप के अंदर हमने एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि अगर b की वैल्यू 0 आई तो प्रोग्राम इमीडिएटली लूप से क्या एग्जिट करेगा, लूप से एग्जिट करेगा, आगे का प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा, ये ब्रेक का काम। दोनों को देखते हैं एक बारी, ब्रेक और कंटिन्यू को। इस फॉर लूप में मैंने ब्रेक का लॉजिक लगाया, लूप तो चल रहा था 1 to 10, लेकिन मैंने बीच में कंडीशन लगा दी कि अगर 5 आता है तो लूप को क्या करो, ब्रेक करो, अदरवाइज आई क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3 4, क्योंकि 5 आते ही लूप से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन अगर मैं ब्रेक की जगह पर क्या लगा रहा हूं, कंटिन्यू लगा रहा हूं, तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, लूप को दोबारा से कंटिन्यू करो, दोबारा मतलब रीस्टार्ट नहीं, लूप को आगे कंटिन्यू करो, मतलब कंटिन्यू के बाद और लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो सारी उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या करो, स्किप कर दो। इस एग्जांपल में हमने लिखा अगर बी की वैल्यू 5 आएगी तो कंटिन्यू करो, मतलब अगर बी की वैल्यू 5 आई तो प्रिंट नहीं करना, कंटिन्यू का मतलब लूप आगे कंटिन्यू रखो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम का रिजल्ट देखूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, 5 के केस में कंटिन्यू होगा, 6 7 8 9 10, तो लूप 10 टाइम्स ही चला, 5 पर्टिकुलर आने पर उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू स्किप कर दिया, तो प्रिंट नहीं किया उसने। सो मेरा आउटपुट 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 उसने स्किप कर दिया क्योंकि 5 में हमने क्या लगाया था, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा था। नाउ वी हैव गो टू एंड लेबल स्टेटमेंट, गो टू इज आल्सो कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट, जैसे इफ एल्स हमने पढ़े, ये सारे जंप स्टेटमेंट्स थे, लेकिन नॉर्मली ये जंप स्टेटमेंट जितने भी थे हमारे पास इफ एल्स, इन्हें हम कंडीशनल जंप कहते हैं। अभी इफ एग्जीक्यूट तब होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और एल्स हमें पता है एग्जीक्यूट तब होता है जब कंडीशन फॉल्स होता है, बट गो टू हमारा क्या है, एक अनकंडीशनल जंप, इसके पास कोई कंडीशन नहीं होगी, एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेगा ये आपको डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो बिना किसी कंडीशन के। आपने लिखा गो टू 10, मतलब मैं 10 नंबर स्टेटमेंट पे चला गया,
तभी हम नॉर्मली गो टू स्टेटमेंट्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब मैं किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और डिबग कर रहा हूँ उस प्रोग्राम को, तो मैं किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर पर इस समय हूँ, मैं क्यों हूँ, कैसे पहुँचा यहाँ पर। इफ एल्स के थ्रू अगर पहुँचाऊँ तो मुझे पता है शायद ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी तो मैं पहुँचाऊँ। बट गो टू तो मेरे, जब अगर मैंने प्रोग्राम में गो टू लगा रखा होगा तो मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आएगा कि मैं इस स्टेटमेंट पर हो सकता है इफ एल्स के बिना डायरेक्टली कहीं से जंप कर गया और उसकी कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास। अब नॉर्मली जंप स्टेटमेंट पे हमें जाना हो तो जैसे मैंने अभी कहा गो टू 10, 10 क्या होगा, उस स्टेटमेंट का नंबर होगा, नंबर नहीं होगा, हम यहाँ पर क्या देंगे, लेबल देंगे। सो लेबल स्टेटमेंट का, लेबल स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम की किसी भी लाइन ऑफ कोड को एक नाम देने के लिए, ताकि हम उस जगह पर क्या कर सके, जंप करें। इसके लिए हम अपनी स्टेटमेंट से पहले लेबल नेम, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी एक नाम डिफाइन कर देंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली यूज करेंगे गो टू एंड देन व्हाट, लेबल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ की स्टेटमेंट को पहले मैंने माई नेम दे दिया, माई नेम कॉलर। उसके बाद जब भी मुझे स्टेटमेंट पे जंप करना होगा, किसी भी कंडीशन है ही नहीं मेरे पास, गो टू एंड व्हाट माई नेम, डायरेक्टली उस पर जंप कर जाएगा। सो नॉर्मली गो टू स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अपने प्रोग्राम में, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन अनकंडीशनल जंप। तो आप इस स्टेटमेंट पर कैसे आए, प्रिंट एफ हेलो पर कैसे आए, डायरेक्टली आए, गो टू के थ्रू आए, पता नहीं लगेगा। सो फ्लो को प्रॉपरली आपके हाथ में होना चाहिए, फ्लो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट पर कैसे आए हैं। इसके लिए हम प्रेफर करेंगे गो टू स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया जाए, लेटर हायर प्रोग्रामिंग के अंदर भी इन्हें ऑब्सोलीट किया जाए। Thank you.